Dear students, I welcome you in my class. We already discussed aggregate demand, aggregate supply, propensity to consume, propensity to save, determination of income and employment through consumption and investment approach, as well as investment and saving approach. Today we will discuss working of multiplier. Multiplier is a measure of change in national income as a result of change in investment. If there is change in investment causes change in national income, multiplier can measure how much change in national income due to change in investment. यहाँ ये बात ध्यान रखने की है और इसे हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा भी किया कि अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की चर्चा करें या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की चर्चा करें तो हम पाएंगे कि कंजम्पशन और सेविंग का बेस जो था वो नेशनल इनकम था. चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन नेशनल इनकम इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. Change in saving due to change in national income is marginal propensity to save. और उनका फार्मूला था MPC का, MPC equal to delta C upon delta Y. और MPS का फार्मूला था MPS equal to delta S upon delta Y. मैं ये बात इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि consumption और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और सेविंग एक्सपेंडिचर का जो बेस है वो नेशनल इनकम है, जबकि मल्टीप्लायर ये मेजर करता है कि हाउ मच चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो मैं फार्मूले में अगर कहूँ, हियर के इज स्टैंड फॉर मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर यानी के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई. हियर डेल्टा वाई स्टैंड फॉर चेंज इन नेशनल इनकम एंड डेल्टा आई स्टैंड फॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अगर इसी को हम डायग्राम में देखें तो वी आर शोइंग इनकम इन ओ एक्स एक्सिस एंड इन्वेस्टमेंट इन ओ वाई एक्सिस. दिस इज इन्वेस्टमेंट कर्व एंड दिस कर्व इज सेविंग कर्व. ये ध्यान रखेंगे कि इन्वेस्टमेंट का प्रभाव इनकम पर पड़ रहा है. इन अदर वे वी कैन से हाउ मच चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट. तो अगर आप इनिशियल स्टेज पर देखें तो जो इन्वेस्टमेंट का लेवल था ओ आई, ओ आई, और दैट टाइम नेशनल इनकम वाज ओ एम. अब देयर इज सम चेंज, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम ओ आई, इट्स रीच्ड ओ आई डैश. यानी जो इन्वेस्टमेंट पहले ओ आई था वो अब बढ़ करके ओ आई डैश हो गया. तो इन अदर वे वी कैन से देर इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट आई आई डैश. ये वाला एरिया जो है ये डेल्टा आई को शो करता है, मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट. ड्यू टू दिस चेंज इन इन्वेस्टमेंट
नेशनल इनकम इंक्रीज फ्रॉम ओ एम टू ओ एन, दिस एम एन एंड दिस एरिया इज शोइंग चेंज इन नेशनल इनकम। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही शो करता है कि हाउ मच चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनिशियली फर्स्ट इनिशियल स्टेज में इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यू था, जो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से नेशनल इनकम में चेंज हुआ और अब नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पी है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यही शो करता है। आइए हम इनको अब कुछ एमपीसी के साथ जब एमपीसी की वैल्यू जीरो थी तो के की वैल्यू यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू आई वन। हमने इस बार एमपीसी की वैल्यू को वन रखा है और उस फार्मूले को अप्लाई किया, दैट इज के इक्वल टू वन अपान वन माइनस एमपीसी। तो इस बार के की वैल्यू इन्फिनिट है। अगले एग्जाम्पल में हमने एमपीसी की वैल्यू 1/2 यानी 0.5 रखी है और जब इसे हमने फार्मूले पर अप्लाई किया के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी तो के की वैल्यू 2 आई। तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एमपीसी के साथ रिलेशन है। क्या कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि अगर एमपीसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में, नेशनल इनकम के पीरियड में या उसके टॉपिक में आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमी के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो एडिशन है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसका, जबकि जो सेविंग है वो विड्रॉल है, निगेटिव इम्पैक्ट है उसका इकोनॉमी में। नाउ वी विल डिस्कस वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर किस तरह काम करता है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट कैन कॉज चेंज इन इनकम। आपने अभी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के डेफिनेशन के दरमियान ही चर्चा में मैंने आपसे कहा कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कैन कॉज चेंज इन इनकम। अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होता है तो नेशनल इनकम भी चेंज होती है। इन अदर हम भी कैसे कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो नेशनल इनकम भी बढ़ती है। एज ए रिजल्ट देयर इज चेंज इन कंजम्पशन। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो नेशनल इनकम बढ़ती है, और अगर नेशनल इनकम बढ़ती है तो लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ वन पर्सन इज एन इनकम ऑफ अदर। एक व्यक्ति का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दूसरे व्यक्ति के लिए इनकम है, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, दिस प्रोसेस कंटिन्यूस टिल चेंज इन कंजम्पशन फॉल्स टू जीरो। अगर मैं ये कहूं कि इनकम चेंज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। चेंज इन कंजम्पशन लीड्स टू चेंज इन इनकम। हम जितना ज़्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे सामने वाले को इनकम मिलेगी, फिर वो कंजम्पशन करेगा तो उसके सामने वाले को इनकम मिलेगी, इस प्रकार सबकी इनकम बढ़ेगी और नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। आप इसे अगर फ्लो चार्ट में देखें, दिस इज शोइंग चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन नेशनल इनकम एंड देन चेंज इन कंजम्पशन एंड वंस मोर चेंज इन नेशनल इनकम। दिस प्रोसेस विल बी कंटिन्यूअस टिल चेंज इन कंजम्पशन फॉल्स टू जीरो। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, लोगों का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा,
उनके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से दूसरों की इनकम बढ़ेगी तो फिर से नेशनल इनकम बढ़ेगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीरो ना हो जाए। एक टेबल के माध्यम से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं देखें इसे कि कैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वर्क करता है। हमने सपोज किया है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 100 एंड वैल्यू ऑफ एमपीसी इज 1/2, इन अदर वे वी कैन से 0.5, दिस शो चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस इन इट प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बिकम जीरो। आइए देखिए, फर्स्ट राउंड में डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 एंड चेंज इन नेशनल इनकम इज आल्सो 100। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इज 0.5 1/2 मीन्स 0.5। मतलब क्या है, 100 का 50% क्या कर लिया लोगों ने, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया। इस टेबल में ये 50 दिख रहा है, याद रखें यही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही दूसरे लोगों की इनकम होगी, यही जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वजह से पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे इकोनॉमी में, और जो सेविंग वाला पोर्शन था वो विड्रॉल है। तो 100 हमने नेशनल इनकम को माना है, उसमें 50 0.5 इन डेल्टा सी 50 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया और डेल्टा एस 50 हुआ। अब यही 50 फिर से नेशनल इनकम हुआ और नेशनल इनकम का 50% 0.5 एमपीसी 25 लोगों ने खर्च किया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज इन कंजम्पशन भी कैसे, रिमेनिंग पार्ट इज डेल्टा एस। वंस मोर दिस 25 वर्क एज इट नेशनल इनकम एंड एज पर एमपीसी 12.5 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड रिमेनिंग चेंज 12.5 इज चेंज इन सेविंग। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बिकम जीरो और फाइनली व्हाट वी फाउंड नेशनल इनकम विल बी 200 चेंज इन नेशनल इनकम विल बी 200। देयर इज ए क्वेश्चन, इफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 100 एंड एमपीसी इज 0.5 देन नेशनल इनकम विल बी चेंज इन नेशनल इनकम विल बी 200। अगर आप उसे न्यूमेरिकल को कैलकुलेट करें, मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया कि अगर हम के की वैल्यू को सॉरी एमपीसी की वैल्यू को 0.5 मानते हैं तो के की वैल्यू 2 आती है, के की वैल्यू 2 आती है। और इसीलिए आप अगर देखें कि जो चेंज इन नेशनल इनकम इज 2 times ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू 2 निकलेगी। सब ध्यान रखेंगे, डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 100 एंड एमपीसी 0.5, तो आप कैलकुलेट करके देखें के की वैल्यू 2 आएगी। हैंस इट्स प्रूव्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ के इज 2 एंड इट्स अप्लाइड इन दिस टेबल इट इज शोइंग चेंज इन नेशनल इनकम इज 2 times ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मैंने पहले भी कहा जितना अधिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा यानी एमपीसी होगा तो नेशनल इनकम उतना ही अधिक बढ़ेगी। अदर हैंड वी कैन से दिस इज द एडिशंस। आइए कुछ न्यूमेरिकल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। आयन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.5
इसको आप 1/2 भी कह सकते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, आप लोगों ने दो फार्मूले जरूर पढ़े होंगे, रिलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। वो फार्मूले ये हैं, एक को तो अभी स्लाइड में आप लोगों ने देखा कि के इक्वल टू 1/(1-MPC). दूसरा फार्मूला है के इक्वल टू 1/(MPS). एक और भी फार्मूला आपको पता होना चाहिए, MPC + MPS = 1, दोनों मिलकर के 1 होते हैं। अगर MPC और MPS में कोई एक वैल्यू हमें मालूम हो तो दूसरी वैल्यू को हम 1 से माइनस करके उस वैल्यू को हम पा सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन कहता है एन इकोनॉमी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.5, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप? निश्चित रूप से आप फार्मूला यूज करेंगे के इक्वल टू 1/(MPS). MPS की वैल्यू दी हुई है, उसको वैल्यू को आप फार्मूले में अप्लाई कीजिए। आइए देखते हैं उसे। तो वी विल यूज द फार्मूला के इक्वल टू 1/(MPS), अप्लाई द वैल्यू ऑफ MPS इन फार्मूला के इक्वल टू 1/0.5। दिस 0.5 इज गिवन, ये वैल्यू MPS की आपके न्यूमेरिकल में दी हुई है, तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ये तो बहुत सरल था। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय ₹1,000 causes increase in national income from ₹10,000 to ₹14,000, calculate value of investment multiplier। इस न्यूमेरिकल के लिए हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। क्या था वो फार्मूला? के इक्वल टू ∆y/∆i। के इज इक्वल टू ∆y/∆i। आइए उन वैल्यू को देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड बाय ₹1,000, इंक्रीज्ड बाय मतलब दिस 1000 इज शोइंग चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन अदर वे ∆i इज ₹1,000। एक वैल्यू तो हमें मिल गई। दूसरे के बारे में देखते हैं। अपने फार्मूला में कहा था के इक्वल टू ∆y/∆i, तो अब हमें ∆y पता करना है। तो द क्वेश्चन इज नेशनल इनकम फ्रॉम इंक्रीज फ्रॉम ₹10,000 to ₹14,000, हाउ मच इंक्रीज नेशनल इनकम 10,000 to 14,000। 4,000 विल बी ∆y। कितना चेंज हुआ नेशनल इनकम में? 10,000 से 14,000 हुआ है, तो हाउ मच चेंज? दिस इज 4,000। इट मीन्स 4,000 इज ∆y। अप्लाई द फार्मूला एंड अप्लाई द वैल्यू इन द फार्मूला। के इक्वल टू ∆y/∆i। हमने ∆y को पता कर लिया, 10,000 से 14,000 हुआ, 10 से 14,000 हुआ, तो कितना चेंज हुआ था? 4,000। और आपके न्यूमेरिकल में लिखा है ∆i की वैल्यू 1,000, तो k इक्वल टू 4,000/1,000, दैट इज 4। तो k की वैल्यू कितना आई? k इज इक्वल टू 4। तो इस प्रकार आप कम से कम जितने भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला हैं उन्हें तैयार कर लीजिए, और उन फार्मूला में आप जो वैल्यू दी हुई है उसे आप अप्लाई कीजिए,
तो यू विल एबल टू सक्सेसफुली कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वैल्यू। असाइनमेंट नोट कीजिए, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अगर नहीं बने तो कोई दिक्कत हो तो ज़रूर निश्चित आप क्वेरी करें। आयन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी MPS आपको बताना है। नेशनल इनकम यानी वाई दिट इज गिवन 10,000, ऑटोनॉमस कंजम्पशन 500, सी बार इसको डिनोट करते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी 8,000 गिवन। तो इसे कैलकुलेट कीजिए घर में, कोई दिक्कत हो तो आप जो ID है उसके माध्यम से आप पूछिए, डेफिनेटली मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। कैलकुलेट ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इस वाले क्वेश्चन में ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सी बार को पूछा है आपसे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम, नेशनल इनकम वाई इज गिवन दैट इज 1,200, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज गिवन दैट इज 0.20, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज दिस इज आई गिवन 100। एक क्वेश्चन आपसे चलते चलते, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना होगा? अभी मैंने चर्चा किया था थोड़े समय पहले कि MPC और MPS दोनों मिलके 1 होते हैं, यानी MPC प्लस MPS इक्वल टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव गिवन दैट इज 0.2। तो यू शुड अप्लाई 1 - 0.20 इज इक्वल टू 0.80। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो MPC की जो वैल्यू होगी वो 0.8 होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।